नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष बेसरवानी, मानसिक रोग विशेषज्ञ प्रयाग। आज हम डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन में नकारात्मक विचार, मन की उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, ये सारे लक्षण प्रकट करते हैं। इसको नॉर्मल मन की उदासी से अंतर करने के लिए पहली बात तो डिप्रेशन लंबे समय तक लिए होता है, अस्थायी रूप से प्रेजेंट होता है, और नॉर्मल उदासी जो है तो थोड़े समय के लिए होता है, जो कि किसी घटना या तनाव के बाद होता है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं है। कोई घटना हुआ, कोई तनाव हुआ, उसके बाद अगर किसी को डिप्रेशन हुआ, कम से कम 2 हफ्ते के लिए, और मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। अधिक से अधिक समय जो लक्षण है डिप्रेशन की, जैसे मन की उदासी, नकारात्मक विचार, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, उदासी रहना, ये सारे लक्षण अधिक समय के लिए और 2 सप्ताह से ज़्यादा होना चाहिए। और कभी कभी तो सुसाइडल आइडियाज भी आते हैं, आत्महत्या के विचार भी आते हैं। अब डिप्रेशन से कौन से लोग प्रभावित होते हैं? पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ प्रभावित होती हैं। जो लोग नशा करते हैं वो प्रभावित होते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं, जिनका तलाक हो चुका है, और विडो लोग होते हैं, ये डिप्रेशन से ज़्यादा प्रभावित है। और या तो जिनके परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है, वो डिप्रेशन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप किसी को डिप्रेशन है तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मानसिक रोग चिकित्सक से जाकर मिले, उसका सलाह। अगर डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, दवा देता है, तब तो दवा लें, नहीं तो अपने हिसाब से दवा का उपयोग करें। अब डिप्रेशन के 3 कैटेगरी हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में तो बिहेवियर थेरेपी के थ्रू इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जो किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से जानकारी लें। धन्यवाद।